पहले ही गैस बहरान से परेशान, लेकिन अभी होगा मजीद इम्तहान। 15 जनवरी के बाद गैस फरामी और भी होगी कम। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी में गैस बम गिरा दिया। अरकान कमेटी की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायत की। सब अपने अपने बिल ले आए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने अक्टूबर में फर्नेस ऑयल, एलएनजी और महंगे कोयले की खरीदारी को वजह बताया। वफाकी वजीर तवनाई हम्माद अज़हर ने गैस बहरान की वजूहात बता दी। बोले, कुदरती गैस हर साल कम होती जा रही है, जबकि बैरूने मुल्क से गैस महंगी पड़ती है। कराची में वजूहात अलग है। बाज़ शोबों ने हुक्म इम्तना ले रखा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। 30 दिसंबर को सिंध हाईकोर्ट में गैस बहरान पर समाप्त है। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कक्की में मेयर के इंतखाब का नतीजा रोक दिया। जमात इस्लामी, JUI और आजाद उम्मीदवारों की मुश्तरका दरखास्त पर हुक्म, बोगस बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल का इल्जाम। इलेक्शन नतीज में PTI के जुनेद रशीद कामयाब हुए थे। पंजाब और पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सुप्रीम कमेटी का पहला इजलास जारी। पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हिकमत अमली की तैयारी। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। पंजाब के बड़े शहरों के मेयर्स के नामों पर मुशावरत। खैरपुर में यूनिवर्सिटी की बस से तालबा के अगवा की कोशिश, पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज किया, ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का पुलिस को मुलजिम सफदर वसान और उसके 16 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए खत। सिंध हाईकोर्ट ने नोटिस ले लिया। DC खैरपुर, DIG सक्खर से 28 दिसंबर को रिपोर्ट तलब।